हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमेजिन आर्ट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप एमएस वर्ड में अपनी किसी भी इमेज की बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसको कटिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो इमेज की बैकग्राउंड जो रिमूव करते हैं, जो इमेज को कटिंग करते हैं, वो फोटोशॉप में करते हैं। बट लेकिन अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता है तो आप एमएस वर्ड में भी अपनी इमेज की बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी इमेज की बैकग्राउंड एमएस वर्ड में रिमूव कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं उसे, और बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं आप कुछ ही मिनटों में। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सीखिएगा कि आप कैसे एमएस वर्ड में अपनी इमेज की बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एमएस वर्ड में आएंगे। मैं यहाँ पे अपना एम एस वर्ड ओपन किया हुआ है। अभी हम यहाँ से एक अपनी इमेज सिलेक्ट करेंगे जो हमें जिसकी हमें बैकग्राउंड रिमूव करनी है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में आऊँगा। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर हम पिक्चर में आएंगे। अब मैं यहाँ से एक अपनी इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसकी हमें बैकग्राउंड रिमूव करनी है। तो मैं ये वाली फर्स्ट वाली इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमारी इमेज जो है एम एस वर्ड में आ गई है। अब हमें इसकी इमेज की जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव करना है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से समझ आए। ये मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, ये देखिए। अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ से इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आपका ये एक देख रहे हैं आप ऊपर से ये। अगर आपका ऐसे ना हो तो आप यहाँ पर फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में आने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट में एक ऑप्शन जो है शो होगा, रिमूव बैकग्राउंड। ये देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है आपको रिमूव बैकग्राउंड। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये देखिए मार्क एरिया। जैसे ही आपका इस पर बैकग्राउंड रिमूव बैकग्राउंड पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके यहाँ पर एक जो आपकी इमेज है उस पर एक मार्क एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हम अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ तक हमारी इमेज है, जहाँ तक हमें अपनी इमेज की बैकग्राउंड रिमूव करनी है। तो मैं अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप अपनी किसी भी इमेज की बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी इमेज पूरी जो है सिलेक्ट कर ली है, जहाँ तक हमें हमारी इमेज चाहिए रिमूव बैकग्राउंड करनी है, अपनी इमेज की जो बैकग्राउंड जो है रिमूव करनी है। अब देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कुछ पार्ट है वो सिलेक्ट नहीं है, देख रहे हैं आप यहाँ पर एक मार्क है। तो हमें इसे क्या करना है, तो आपको यहाँ पर ये देखिए मार्क एरिया, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ आकर आपको इस तरह से एक लाइन ऐसे इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर लाइन खींचेंगे, देखिए हमारी जो बैकग्राउंड है वो हमारी सिलेक्ट हो रहा है, जो हमारी इमेज है उसे सिलेक्ट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आपको पार्ट वर्जन वहाँ पर आपको इस तरह से लाइन क्रिएट करनी है। देखिए यहाँ रह गया थोड़ा सा, अभी हम यहाँ भी कर देते हैं। ये देखिए हमारी इमेज जो है कितनी जल्दी सिलेक्ट हो गई है। अब बचा जो हमारा ये जो बैकग्राउंड है जो हमें रिमूव करनी है वो भी हमारी इस इमेज में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखें इसके जो सेकंड वाला है मार्क एरिया टू रिमूव, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और अब हम यहाँ पर हल्का सा जितना हमारा एरिया है जितना हमें सिलेक्ट करना है हम उस पर भी एक लाइन करेंगे। और ये जो हमारे हेयर है, इसके जो हमारी इमेज है, जहाँ जहाँ आपकी जैसी भी आपकी इमेज हो वो आपको अपने तरीके से करनी है। मैं आपके आपको दिखा रहा हूँ एक बार करके, आप उसी तरीके से करिएगा, आप बड़ी जल्दी कर पाएंगे। बहुत ईजी है, कोई ऐसा मतलब मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से कर पाएंगे आप। अब देखिए हमारी इमेज हो गई है, अब हमें यहाँ से कर देना है कीप चेंज। जैसे आप कीप चेंज करेंगे ये देखिए हमारी जो इमेज है उसकी बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। देखा कितनी आसानी से आपने इमेज की बैकग्राउंड यहाँ पर हमने अपनी रिमूव कर दी है। अब आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप इसे अपने टेक्स्ट मेटर में यूज़ कर सकते हैं। एम एस वर्ड में अगर आप कोई टेक्स्ट मेटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको टेक्स्ट के बीच में इमेज यूज करनी होती है तो आप उसे वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, या इसको पासपोर्ट साइज फोटो मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बनाकर दिखाई है। ये आप अपनी किसी भी इमेज को की बैकग्राउंड को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ इसे कॉपी। और अभी हम इसे टेक्स्ट में ले जाएंगे। तो ये मैंने एक अलग से टेक्स्ट की एक अपनी जो टेक्स्ट फाइल खोली हुई है तो हम इसे यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल बी। तो देखिए हमारी जो इमेज है अभी जो टेक्स्ट के बीच में आ गई है,
देख रहे हैं आप, ये हमारी टेक्स्ट के बीच में आ गई इमेज। तो मैं फिर फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ से देख लिए रफ टेक्स्ट, आप यहाँ से इसे इस तरह से ये देखिए। आप अगर कोई ऐसा टेक्स्ट में कोई ऐसी बुक बना रहे हैं या कोई ऐसा मैटर जिसमें आपको इमेज टेक्स्ट के बीच में रखनी है, तो देखिए इस तरह से कर सकते हैं आप। देख रहा आपने, यहाँ से आपका क्रॉप का ऑप्शन है, ये देखिए आप यहाँ से इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इसे आप अपनी इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए ये वाला जो है, आप देखिए कितना आपकी इमेज कितनी सुंदर, जो टेक्स्ट है उसके इमेज के, ये देखिए इमेज के बिल्कुल चारों तरफ जो टेक्स्ट है, आपने देखा होगा कि मैगजीन में ऐसे इस तरह से होता है। आप इस तरह से अपना इसे यूज कर सकते हैं। आप, मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखाया है, तो आप अपने वर्क के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको ये कहाँ यूज़ करनी है, इमेज को कहाँ यूज़ करनी है। तो देखा, इसी तरह से आप अपनी किसी भी इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, चाहे आपकी खुद की इमेज है चाहे कैसी भी इमेज है, आप कोई वर्क कर रहे हैं यूज़ कर सकते हैं उसे, बिना फोटोशॉप में जाए या किसी अदर सॉफ्टवेयर में जाए, आप एमएस वर्ड में अपनी इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अपनी जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक नई टिप्स के साथ। थैंक यू।